आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्सनली मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये ऐप है ही इतनी मज़ेदार, जिसका नाम है जार ऐप। शायद आपने इसके बारे में पहले सुन रखा हो, लेकिन काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में ये है कि एक्चुअल में इस ऐप से हम किस तरीके से जार ऐप से पैसे कैसे कमाएं, या फिर जार ऐप किस तरीके से काम करता है, जो इसके अलग अलग फ़ीचर्स हैं उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में यहाँ पे हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। पूरी डिटेल्ड वीडियो है यहाँ पे। सिर्फ कई लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि जार ऐप से हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जार ऐप में इससे कहीं ज़्यादा और बहुत कुछ है अगर आपने इसको अच्छे से सीख और समझ लिया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मेन वैसे तो पांच हैं। इसमें हम पहले जानेंगे राउंड ऑफ, किस तरीके से जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उससे आपकी सेविंग्स होती चली जाएगी और एक अच्छी आपकी सेविंग यानी कि आप अमाउंट अर्न कर सकते हो। नंबर दो पे बात करेंगे डेली सेविंग्स, जिसमें आप मिनिमम 10 रुपए से अपनी जो है सेविंग से स्टार्ट कर सकते हो। और नंबर तीन पे हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि डिजिटल, अगर आप आज से अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखो तो जो गोल्ड है एवरेज की बात करें तो 10 से 12% का इसने रिटर्न एनुअली दिया ही दिया है। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटली गोल्ड में, और जब इन्वेस्ट करते हो जब कभी ज़रूरत हो तो उसकी आप फिजिकल डिलीवरी आप अपने एड्रेस पे अपने घर पे भी ले सकते हो। उन चीज़ों को भी समझेंगे। इसके साथ दो चीज़ यहाँ पे और हैं, इसको हल्के में समझेंगे, हल्के में एक सिर्फ स्पिन वाले को समझेंगे कि स्पिन वाले में क्या होता है कि आपको स्पिन्स मिलती हैं फ्री में, जिसको स्पिन करके आप कुछ एक ऑफर्स को विन करते हो, कुछ एक आप बोनस को विन करते हो। और एक गोल्ड एक्स करके है, तो गोल्ड एक्स को हल्के में मत लेना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा लीजिंग के ऊपर जाएगा जो ज्वेलर्स हैं उनके पास, और जहाँ पर आपको अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पर 14% 12% तक रिटर्न आपको देखने को मिल सकती है। किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी इसको अभी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं राउंड ऑफ वाले से। देखिए राउंड ऑफ वाले में क्या होता है, जब इसको आप एक्टिवेट कर देते हो बाय डिफॉल्ट भी ये एक्टिवेट होता है, लेकिन सबसे पहले जार ऐप का ओरिजिनल जो ऐप है वो डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने गलत ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। ओरिजिनल ऐप का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से डाउनलोड कीजिएगा। जो भी डिटेल वगैरह ऑफर वगैरह किए उसमें मैं ऐड कर दूंगा, अगर कोई कोड वर्ड होगा तो वो भी वहां पे आपको पता चल जाएगा। राउंड ऑफ आपका ऑन रहेगा। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कहीं पे चाय पी, कहीं पे अपने मान लीजिए 11 रुपए खर्च किए और अपने राउंड ऑफ की लिमिट लगा रखी है मैक्सिमम 10 रुपए तक की, तो जैसे अपने 11 रुपए की चाय पी और यहां पे राउंड ऑफ बनेगा, अगला क्या बनेगा 15 रुपए, यानी कि राउंड फिगर करेगा ये, जैसे 11 है उसका नीरेस्ट राउंड फिगर 15 बन गया। अगर आपने 17 रुपए कभी कहीं पर इन्वेस्ट किया तो राउंड ऑफ फिगर कितना बन गया 20, यानी इसमें कितना है 4 रुपए का गैप है, इसमें 3 रुपए का गैप है। तो ये ऐप क्या करेगा, जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो आपके मैसेज वगैरह से आपको ट्रैक करेगा, और जो भी इसका राउंड ऑफ है जैसे कि आपने 11 रुपए खर्च किए कहीं पर, तो ये क्या करेगा 4 रुपए ऐड कर देगा, यानी कि 4 रुपए जो है ये आपका जार ऐप में सेव कर देगा, जार ऐप में आप ये बोल सकते हो इन्वेस्ट कर देगा। 17 रुपए खर्च किए तो 3 रुपए और जोड़ करके, यानी कि आपने कुल 20 रुपए खर्चे, 3 रुपए जो है आपका वो सेव हो गया। तो इस तरीके से जो राउंड ऑफ वाला ये चीज़ काम करेगा। अगर आपको लगता है इसको बंद करना तो आप बंद भी कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। 2-2, 4-4 रुपए करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सेविंग्स अच्छी खासी जुड़ती चली जाएगी। छोटी मोटी चीज़ें तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेव करके ले सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम 1 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 10 रुपए तक आप राउंड ऑफ लिमिट लगा सकते हो, ओके, जितना आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से। नंबर दो पे बात करते हैं यहाँ पे डेली सेविंग्स भी मुझे काफ़ी इसमें बेहद पसंद है। उसका कारण ये है, मिनिमम आप यहाँ पे 10 रुपए से डेली का आप सेविंग कर सकते हो, ऑटो डेबिट लगा सकते हो आपके UPI अकाउंट से। क्या है कि हर रोज 10 रुपए कट होते जाएंगे, 10 रुपए से आपको फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आप देखोगे 1 महीने में 300, 2 महीने में 600 जमा हो गए, और 10 की बजाय आप इसको 500 कर दो, अगर कैपेसिटी है 500 वीकली कर दो, 500 मंथली कर दो, 1000 मंथली कर दो, जितना आप बचा सकते हो उतना कर दो, जिससे कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कम से कम 10 रुपए से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। और ये चीज़ भी आपका, मान लो आपने लैपटॉप लेना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई ड्रीम है छोटा मोटा, उसको फुलफिल करने के लिए आपको जो डेली सेविंग्स है बहुत अच्छा आ जाता है। नंबर तीन पे आता है इन्वेस्टमेंट, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर तो आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो गोल्ड में पैसा लगा दो, हर साल आपको पता है अच्छी खासी रिटर्न आपको मिल ही रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ पर अमाउंट आपके पास है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा वो चीज़ तो आपको यहाँ पर बेनिफिट देती ही जाएगी, और जब कभी ज़रूरत है भाई आप उसको निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे स्पिन वाला में क्या है कि स्पिन करने का ऑप्शंस मिलता है, कुछ बोनस, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दिया। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है गोल्ड एक्स को बात करने से पहले, जब भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप उसको अपने
रियल ज्वेलरी फिजिकल उसकी डिलीवरी ले सकते हो। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितना भी पैसा लगा रहा हो ये आपको प्योर 24 कैरेट के गोल्ड में लगेगा और जब चाहो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। गोल्ड एक्स में अगर आप 0.5 ग्राम मिनिमम अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद में आप गोल्ड एक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप अपना जो गोल्ड है लीज पे देते हो तो अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पे मिल सकती है, जो कि मैंने बताया कि 12-13-14% तक की आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाती है। तो ये यहाँ के मेन फीचर्स हैं, इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। ऐप के अंदर भी चलेंगे थोड़ी देर में, ऐप मैं लाइव भी दिखाने वाला हूँ आपको। उसके बाद में आप कुछ यहाँ पे आएंगी चीज़ें कि सब चीज़ों बता दी भाई, इसके चार्जेस इन्होंने नहीं बताए। देखिए चार्जेस मैं बताता हूँ, जब भी इसमें अगर आप डिजिटल गोल्ड में जब इन्वेस्ट करोगे डिजिटल गोल्ड में तो 3% आपका वन टाइम लगेगा, क्या लगेगा, GST एक बार लगेगा। और जब इसको आप बेचते हो तो यहाँ पे आप मान के चलो 2-3% के आसपास आपका इंश्योरेंस कॉस्ट एंड लॉकर का जो भी चार्जेस वगैरह वो यहाँ पे लगते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी यहाँ पे आपका चार्ज नहीं करता है। और जो डेली सेविंग्स वगैरह कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जब जरूरत हो तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। कर दूँ आपकी जो बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट क्वेश्चन तो वो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अकाउंट खोलने में कोई भी डाउट क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। देखिए जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो, जब आपको स्पिन यहाँ पे मिलेंगे 20 स्पिन आपको मिलती हैं फ्री में, ओके। जब आप स्पिन करोगे, मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे यहाँ पे एक स्पिन पे तो इवन 50% तक का बोनस ऑफर मिला था, बट मैंने उसको मिस कर दिया। जब उसको दोबारा मैंने स्पिन करा तो 20% का यहाँ पे क्या है कि बोनस मिला था एक्स्ट्रा गोल्ड। यानी कि अगर मान लो 1000 रुपये तक मैं इन्वेस्ट करता तो इसमें 20% तक का मुझे एक्स्ट्रा गोल्ड मिलने वाला था, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। मैंने इसको ग्रैब किया और वहाँ पे मैंने झट से इस पैसे को ऐड किए। 3 मिनट का समय मिलता है उस डील को आपको लेने के लिए। तो इस तरीके से स्पिन कर करके अगर कोई आपको अच्छा ऐसा ऑफर लगता है तो वो आप ले सकते हो। रही बात ऐप की, तो ऐप ट्रस्टेड है, जेन्युइन है, सेफ है, इसकी पूरी लीगैलिटी डिटेल्स है, पूरी इसको चेक कर सकते हो, इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सारी जो भी यहाँ पे रूल्स पॉलिसी सभी को ये फॉलो करके ही बनी है, काफ़ी अच्छे से ये चल रही है। अगर रिव्यूज़ की बात करें तो मार्केट में जो भी लोग इसको यूज़ करें बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। छोटी छोटी अमाउंट थोड़ी थोड़ी चीज़ों से स्टार्ट करके एक अच्छी चीज़, अगर आपको 20-30,000, 40,000, 1,00,000, 2,00,000 तक की सेविंग्स जोड़नी है तो ये आपके लिए जो ऐप है बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। दैट्स वाई ये मेरी फेवरेट है। अभी मैंने इसमें अपना राउंड अप स्टार्ट कर दिया है, सेविंग्स अपने डेली अपने बजट के हिसाब से स्टार्ट कर दी हैं। और इस ऐप में आपको अपना टारगेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है, अपने ड्रीम को सेट करने का ऑप्शन मिलता है। छोटे छोटे टारगेट्स जैसे मान लीजिए अगर आप अपना लैपटॉप खरीदने के लिए सेविंग कर रहे हो, उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो और उन चीज़ों से आप मोटिवेट होते रहते हो। छोटी छोटी अमाउंट इसमें क्या है कि डिजिटल गुल्लक के जैसा, कि जैसे एक आपका गुल्लक बन जाएगा उसमें आपका पैसा जुड़ते जा रहा है और जब पैसा उसके बराबर पहुंच जाएगा आप उसको निकाल करके जो भी आप अपना काम कर सकते हो। और जैसे कि जो भी आपका पैसा है वो जा भी गोल्ड में रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है, तो मान लीजिए 10,000 है गोल्ड का प्राइस, बढ़ते बढ़ते आपको क्या पता 40-50-100 रुपये आपको और एक्स्ट्रा ही मिल जाए, तो ये भी आपका बढ़िया बात है। अगर साल के लिए 1-2 साल तक इसको रखते हो तो जो भी गोल्ड के एक्सपीरियंस जितना पैसा मिल रहा है वो तो सारी चीज़ आपको मिल ही रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को देख करके कोई भी होने वाले लॉस से प्रॉपर्टी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लें, अदरवाइज जो मेरी रिसर्च के हिसाब से ऐप काफ़ी अच्छी है और मैंने इसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी अपने लेवल पे अगर आपको सही लगे तो ट्राई कर सकते हो, ऐप का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।